अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खट्टर और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स एकेडमी। तो दोस्तों, थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है फिर से बहुत खास। आपके भाई बहुत सरगर्म टॉपिक लेके आ रहे हैं, हर दिन नया नया टॉपिक ऐसा ला रहे हैं कि वो बिल्कुल ठा करके हर एक का सवाल का जवाब उसमें उसको मिलता जा रहा है। तो मैंने आज आप सोचा कि यार क्यों ना आपको ये बताया जाए कि यार इतने ग्रुपों में मैसेज आ रहे हैं कि यार फिंच का रेट कहीं जाल रेट पे तरीकी सबसे ऊंचे रेट पे चला गया, पिछली वीडियो में बताया भी था मैंने। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, यार भाई मैं 50 पेयर की कॉलोनी डाल लूँ तो इसमें क्या होगा, 100 की डाल लूँ, 200 की डाल लूँ। अब असल में मसला ये है कि हर बंदा डायरेक्ट पहुँचता है यार 200 पेयर की मैं कॉलोनी डाल लूँ। लोगों के पास जमा कुंजी होती है, वो यही कहता है यार मैं इसमें लगा दूंगा फिर मैं बैठ के खाता रहूँगा। यार ऐसे तो नहीं होता बिल्कुल भी, पूरी इसके पीछे एक थ्योरी होती है, उसको पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर कोई बिजनेस में हाथ वगैरह डाला जाता है। अब हम कोई नजूमी तो है नहीं कि हम आपको बताएं कि यार इस तरह की ब्रीड आएगी, हमने तो अपना जो एक्सपीरियंस होता है वही बताना होता है कि हमने ये किया था तो हमारे साथ ये हुआ और ये रिजल्ट आए हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ग्रुप वगैरह में हमारे पास काफ़ी मैसेजेस भी आए हुए हैं कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें कोई तरकीब बताएं कि यार हम किस तरह स्टार्ट करें, कितने पेयर से स्टार्ट करें। यार मैं अब हर एक की जेब की कुव्वत को तो नहीं जानता कि यार उसकी जेब की कुव्वत कितनी है, वो कितने पेयर खरीद सकता है, कितनी बड़ी कॉलोनी बना सकता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अब जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ दाने की कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं कंगनी कंजम्पशन आपको बता देता हूँ, उससे आप अपनी अपनी कॉलोनी के हिसाब से देख लेना आपके कितने पेयर हैं, और फिर वो उस पर डिवाइड करके आप खुद ही चेक करते रहना। क्योंकि अब मैं ये तो नहीं बता सकता कोई 2 पेयर की कॉलोनी खोलेगा, कोई 200 की खोलेगा, अब मैं 200 से लेकर 200 तक सारी नहीं बता सकता है। तो मैं आपको शॉर्ट करके यही बता देता हूँ, हमारे पास 200 पेयर फिंचेस का लगा हुआ है। हम लाते हैं 50 किलो का कंगनी का कट्टा, जो कि हमें दालगरा से मिलता है, तकरीबन 50,000, कभी 4800, कभी 5200, अप्स एंड डाउन होते रहती हैं, यानी 300-400 नीचे होता है या कभी 300-400 ऊपर होता है, ये जाहिर सी बात है क्योंकि हम होलसेल से लाते हैं तो रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आप ये हिसाब लगा लें कि जब हम लाते हैं तो हमारा वो 1 महीना 7 दिन चलता है। तो मैं कहने का मतलब ये, अगर हम 7 दिन भी इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं तो फिर आपको पीछे बचता है 1 महीना। तो मतलब 1 महीने में 200 पेयर खाता है 50 किलो कंगनी। अब ख्वाह वो आपके शहर में जितने की भी हो, इससे तो मुझे कोई सरोकार नहीं क्योंकि मुझे पता भी नहीं। हमने जो आप यहाँ पे लिए लास्ट टाइम 5,000 में 50 किलो का कट्टा हमने यहाँ से खरीदा। तो दोस्तों, आप उस हिसाब से लगा लें। अब जो उसे छोटी कॉलोनी बनाना चाहता है, वो 100 पेयर रखना चाहता है, तो वो उसका आधा कर ले। मतलब ये है कि अब 1 महीने में 200 पेयर 50 किलो दाना खाते हैं तो 100 पेयर 25 खाएंगे, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं तो इसी तरह अगर 100 पेयर में 50 का लाते हैं तो वो ऐसे ही है कि आप 50 किलो का थोड़ा लाएं, वो आपके 2 महीने चल जाएगा। अब छुरी गर्दन पे रखो या गर्दन छुरी पे कटनी गर्दन, या बात आप लोगों को समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये तरीकेकार है, हर बंदा अपने बर्ड्स का उस हिसाब से हिसाब लगा ले कितने रखने हैं, और बड़े से वो 50 किलो के बोरे से आप अपना हिसाब लगा ले कि यार मेरी कंगनी की कंजप्शन कितनी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, और इसमें मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताता चलूँगा कि एकदम से कूदे मत। ये रेट जो होते हैं ये एकदम से आसमान पर भी होते हैं, इनका ज़मीन पे आने पे भी कोई टाइम नहीं लगता। ये ना होगा कल को आप सारा हम पर ही ब्लेम डाल दें कि यार ये फिंच की रेट गिर गए, ये वो अप्स एंड डाउन आएंगे आपको। हाँ, अब ये है कि जो अपना कंसिस्टेंटली आपको कहता है, जो एम रखता है, यार बेशक वो जिस तरह मुश्ताक भाई ने 60 रुपये वाला पेयर जो है 90 रुपये का दाना खिलाते रहे हैं, तो देखो आज किस मुकाम पर भी पहुँचे हैं। सारी गेम दोस्तों इस चीज़ में सब्र की है, परिंदों का शौक टोटल सब्र पर डिपेंडेंट है। मैंने 5 महीने सब्र किया, 5 महीने अभी मैं अपना रोना रो रहा हूँ अपने कभी केज के लेके कभी बिल्ली लेके, लेकिन कंसिस्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है एक ना एक दिन मेरी कामयाबी ज़रूर होगी, और मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि यार जब मैं कामयाब होऊंगा और ये इसी तरह की बड़ी कॉलोनी मेरी भी होगी, और ये तब होगा मुमकिन जब आप भाइयों की दुआएं मेरे साथ होंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो क्लिप में इसलिए बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि यार हम क्या करें। तो मैंने आपको सलूशन दे दिया भाई, अब आप जो मर्जी करें, अब आपके अपने पैसे हैं, अब आपकी अपनी कॉलोनी, अब आपके अपने बर्ड्स हैं, आपने जो करना है वो करें, मैंने आपको सलूशन बता दिया। तो दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में इसी तरह परिंदे और परिंदों वाले तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।